गुड इवनिंग माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और उसके एक प्यारे से शॉर्ट एंड स्वीट से वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। जी हाँ, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी इस यूनिट का 6th वीडियो लेक्चर है। अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले के 5 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी उसको सजेशन है कि इससे पहले के 5 वीडियो लेक्चर देखना ना भूले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 वीडियो लेक्चर के लिंक जरूर मिल जाएंगे। सवाल आता है, सर अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। भाई देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने वाली है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो न्यूमेरिकली डिपेंड करती है कि हाँ भाई उन पे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल बातों का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है। इनफैक्ट आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ डिराइव करके नहीं दिखाने वाला। आज के वीडियो लेक्चर में मैं कोई न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला नहीं समझाने वाला। एक आधा हो सकता है कि बताऊं, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जरूर आता है। देखो, चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर के शब्द ड्यूअल का क्या मतलब है? ड्यूअल का मतलब होता है दो, यानी नेचर का मतलब है व्यवहार। यानी हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं कि जो भी हमारे आसपास का मैटर है या जो भी हमारे आसपास की रेडिएशन है, वो मैटर और रेडिएशन दो प्रकार का व्यवहार शो कर रही है। और वो दो प्रकार का व्यवहार कौन सा है, इस बात के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक जिसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर और एक जिसे हम कहते हैं वेव नेचर। हम पहले भी इस बात को समझ चुके हैं दैट लाइट शोज ड्यूअल नेचर, या मुझे कहना चाहिए रेडिएशन शोज ड्यूअल नेचर, या मुझे कहना चाहिए मैटर शोज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब यह हुआ कि एक नेचर उसका पार्टिकल जैसा है और दूसरा नेचर उसका वेव जैसा है। सवाल आता है, सर आप जो ये बातें कह रहे हो, इन बातों को फिजिक्स की दुनिया में कैसे साबित किया गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स की दुनिया में इन बातों को बहुत सिंपल तरीके से साबित किया गया। आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम एग्जैक्टली उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं जो इससे पहले हम कर चुके हैं, लेकिन उन बातों को रिपीट करने के साथ साथ कुछ नया उठाएंगे। वो कुछ नया क्या है? देखो, अभी तक आपको ये पता चला कि किसी भी मैटर को जब किसी सूटेबल रोशनी या किसी सूटेबल लाइट से एक्सपोज कराया जाता है तो वो रोशनी जो उस मेटल के सरफेस पे या उस मैटर के सरफेस पे आकर है टकराती, उससे टकराकर उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट आउट करती। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी सरफेस पे जब कोई रोशनी आकर है टकराती तो वो रोशनी उस सरफेस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करती। जब वो रोशनी उस मटेरियल या उस मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करती तो ऐसा करने में वो कैसे कामयाब हो पाती, इसे हमने अंडरस्टैंड किया है बाय अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय आइंस्टाइन, जिसको हमने नाम दिया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या मुझे कहना चाहिए आइंस्टाइन के द्वारा दी गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये समझ लिया कि जो मैटर है उसमें से लाइट बाहर आ रही है, लेकिन मैटर में से एक्चुअली में लाइट नहीं है जो बाहर आती है, एक्चुअली में वो पार्टिकल है जो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर आता है। इसका मतलब कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स एंड एटम्स कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मैटर के अंदर से बाहर आ रहा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी मैटर से बाहर आ रहा है वो तब आ रहा है जब उस मैटर को किसी सूटेबल लाइट की रोशनी से या किसी सूटेबल लाइट से एक्सपोज कराया जा रहा है या टकराया जा रहा है। अब ये चीज जब सामने आई तो क्वेश्चन मार्क ये था कि भाई मैटर में पार्टिकल है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन वो पार्टिकल लाइट जैसा व्यवहार क्यों शो कर रहा है? इसी चीज को तो कहा गया ड्यूअल नेचर, कि जब वो पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो वो पार्टिकल पार्टिकल की फॉर्म में नजर नहीं आता। वो पार्टिकल कौन है? वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है।
अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन तो मैटर का हिस्सा है, हाँ वो इलेक्ट्रॉन मैटर का हिस्सा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन मैटर का हिस्सा है तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये दुनिया जानती है। लेकिन मैटर ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, ये कैसे साबित हुआ? वही पार्टिकल जो मैटर में पार्टिकल है, वही पार्टिकल जो मैटर में पार्टिकल है, जब बाहर आता है तो पार्टिकल की फॉर्म में नहीं, लाइट की फॉर्म में नजर आता है। इसलिए ये कहा जाता है दैट मैटर शोज ड्यूअल नेचर। अब ठीक है, अगर ये मैटर ड्यूअल नेचर शो कर रहा है तो जो आने वाली रोशनी है वो क्या है? वो एक लाइट रेडिएशन है, और वो रेडिएशन भी हमें ड्यूअल नेचर शो करती है। सर वो तो लाइट रेडिएशन है, साफ पता चल रहा है लाइट है, उसका नेचर वेव नेचर ही होगा, उसका नेचर पार्टिकल कैसे हो सकता है? तो ये पता चला कि जो लाइट आकर किसी भी मेटल के सरफेस से टकरा रही है वो लाइट माना की रोशनी है, और माना की वो वेव है, वो लाइट वेव है, लेकिन वो लाइट वेव भी कुछ पार्टिकल से बनी है। यानी द स्मॉल पार्टिकल्स, और आई शुड से द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट लाइट रेडिएशन एज गिवन बाय क्वांटम थ्योरी, दोज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज क्वांटा, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया गया फोटॉन्स। जी हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर आप जो बात बता रहे हो वो एक्चुअली में आप सिखा रहे हो पार्टिकल नेचर। जी हाँ, आज मैं आपको पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की। भाई लाइट वेव नेचर शो करती है ये हम सब जानते हैं, लाइट वेव नेचर शो करती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाने के लिए, या मुझे कहना चाहिए कि लाइट के पार्टिकल नेचर को बताने के लिए ये बात कही गई है कि अगर ये एक हमारे पास मेटालिक सरफेस है तो इस मेटालिक सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, इस मेटालिक सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, और जब ये लाइट रेडिएशन, जब ये लाइट रेडिएशन आके इन इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो यही इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इजेक्ट आउट होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट आउट होते हैं। तो आने वाली जो लाइट रेडिएशन है तो वो लाइट, लेकिन दैट लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स, आई रिपीट माई सेंटेंस, दैट लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स That carry enough energy with them। जी हाँ, ये particles जो है, या मुझे कहना चाहिए कि जो light जो है, इस light में कुछ particles है, और ये particles अपने साथ energy carry करते हैं, और इन particles को हमने नाम दिया photon, तो photon कौन है? फोटोन एनर्जी को कैरी करने वाले पार्टिकल्स है, यानी मुझे कहना चाहिए वो पार्टिकल्स हैं जो अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहे हैं, और इस फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम का फॉर्मूला, ये जो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अब जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है E = h𝛎, या फिर मुझे कहना चाहिए hc/λ। तो एनर्जी का फॉर्मूला बना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों hc/λ, लेकिन इसके मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला हैज बीन गिवन बाय डी ब्रॉगली। मोमेंटम का फॉर्मूला अगर किसी ने दिया है तो वो डी ब्रॉगली ने दिया है, और डी ब्रॉगली के द्वारा जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं λ = h/mv। और इसी वेवलेंथ को हमारे इस यूनिट में, हमारे इस चैप्टर में एक नाम दिया जाता है, इसी वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है, जिसकी डेरिवेशन, सही सुन रहे हैं, इसकी डेरिवेशन एग्जाम में 3 से 4 नंबर की आती ही आती है। ये डेरिवेशन मैं आपको आज नहीं कराऊंगा, इसका जो अगला वीडियो लेक्चर होगा ना, दैट विल बी द वीडियो लेक्चर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या मुझे कहना चाहिए द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वो हम अगला वीडियो लेक्चर जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको उन बातों का एक कॉन्सेप्चुअल वर्जन समझा रहा हूं जिनपे रीजनिंग क्वेश्चन उठ के आता है।
कैसे क्वेश्चन उठकर आता है। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये जो लाइट आ रही है ये पार्टिकल से बनी है, तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है। सुनो, इंग्लिश में सुनो, द लाइट दैट स्ट्राइक्स एनी मेटेलिक सरफेस, आई रिपीट माई सेंटेंस, द लाइट दैट स्ट्राइक्स एनी मेटेलिक सरफेस इज एबल टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द लाइट that is able to eject out the electrons is carrying some energy and some portion of that energy is transferred to these particles which are electrons and these electrons are ejected out. टक्कर खाके किसी एक ऑब्जेक्ट की टक्कर का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे असर तभी आता है जब पहली चीज भी ऑब्जेक्ट हो और दूसरी चीज भी ऑब्जेक्ट हो। मतलब ये कि ये तभी पॉसिबल है जब टकराने वाली चीज भी पार्टिकल हो और जिससे वो टकरा रही है वो भी एक पार्टिकल हो। तो टक्कर देने वाला पार्टिकल होगा तभी वो किसी पार्टिकल को धक्का दे पाएगा। ऐसे ही लाइट आके किसी पार्टिकल को इजेक्ट आउट नहीं कर सकती। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल की एनर्जी इस पार्टिकल के पास जाएगी तभी ये इजेक्ट आउट होगा। लेकिन सर ये बात तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कह चुके हो। हाँ, मैं मानता हूं कि ये बात मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कह चुका हूं और ये बात मैं ऐसे कह चुका हूं कि ये जो पार्टिकल्स लाइट में मौजूद है इन पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं और हम ये बोलते हैं कि फोटोन आए आके मैटर से टकराए, मैटर में पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसको मारा धक्का, तब जाके निकला इलेक्ट्रॉन पक्का, क्योंकि फोटोन आया इलेक्ट्रॉन से टकराया इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसलिए इस इफेक्ट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इस चीज को एक्सपेरिमेंटली क्रॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक ने, जी हां, क्रॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक, CROMPTON एक नाम के वैज्ञानिक ने इफेक्ट दिया जिसे हम कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। उन्होंने क्या किया, क्रॉम्पटन इफेक्ट के अनुसार, सुनना ध्यान से, क्रॉम्पटन इफेक्ट के अनुसार एक्सरेज को इस्तेमाल किया गया लाइट वेट वाले किसी एलिमेंट से टकराने के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, और क्रॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरेज रेडिएशंस को इस्तेमाल करके लाइट वेट वाले एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम से टकराकर यह पता चला कि जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स है वो मोमेंटम हासिल कर लेते हैं और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उनको किसी पार्टिकल से टक्कर मिली हो। इसका मतलब कि जो एक्सरेज है तो वो लाइट रेडिएशन, लेकिन जरूर उन लाइट रेडिएशन में कुछ तो ऐसा है जो पार्टिकल के जैसा है और इसलिए उस लाइट के रेडिएशन को पार्टिकल नेचर के रूप में देखा गया और जिस पार्टिकल को लाइट का हिस्सा माना गया उस पार्टिकल को फोटोन नाम दिया गया। यानी लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स एंड ईच फोटोन हैज अ एनर्जी गिवन बाय अ फॉर्मूला E is equal to h mu, where mu is the frequency and E is equal to hc by lambda. At the same time, every photon has some wavelength which is given by the formula lambda is equal to h upon mv. Yes, simple शब्दों में अगर मैं कहूं कि अगर lambda is equal to h upon mv है तो इसका momentum क्या होगा, सुनना ध्यान से, इसका momentum होगा mv is equal to h upon lambda. mv is equal to h upon lambda. mv is equal to h upon lambda. और हम सब जानते हैं कि new is equal to c by lambda होता है, तो therefore lambda is equal to c by mu होगा। अगर lambda is equal to c by mu होगा तो ये lambda जब यहां जाएगा तो ये h बटा हमारे पास c by mu बनेगा, c by mu, और मुझे कहना चाहिए h mu by c, तो momentum का formula आ गया h mu by c। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मैं स्क्रीन के आगे से हट गया हूं सिर्फ इसलिए कि जो मैंने है अब तक आपको समझाया है, मुझे यकीन कि आप सबको समझ आया। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जरूरी था कि हम जो यहां पे टॉपिक समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की हेडिंग मुझे अभी रियलाइज हुआ कि आप लोगों को नजर नहीं आई है, ये देखिए बोर्ड पे ऊपर की तरफ लिखी हुई है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कैमरा को पीछे जाकर, कैमरा को ऊपर खिसकाकर आपको हेडिंग दिखा दी है। टॉपिक को समझने पे फोकस कीजिए, टॉपिक आपको समझ आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड
कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइफ। यहां लिख देता हूं, जो हेडिंग ऊपर छुप गई है ना, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइफ। जो हेडिंग ऊपर छुप गई है वो हेडिंग मैं यहां लिख देता हूं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइफ। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाइट का जो नेचर है वो एक पार्टिकल नेचर है। कैसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट का जो नेचर है पार्टिकल है, और वो पार्टिकल कोई और नहीं बल्कि वो पार्टिकल कौन है? फोटोन है। आई होप मेरे बच्चों को ये बात समझ आ रही है। लेकिन पता है, फिजिक्स की दुनिया में ये सिलसिला यहां नहीं थमा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से समझाने की कोशिश करी। जब बात आई पार्टिकल नेचर को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की, तो क्वेश्चन उठने लगे कि क्या पार्टिकल नेचर लाइट को उसके एक्चुअल नेचर से अलग करता है, या ये मानना पड़ेगा कि लाइट का ही नेचर ड्यूअल है। तो ये मानना पड़ा कि लाइट तेरा नेचर ही ड्यूअल है। तुझे अगर हम वेव के नजरिए से देखें तो तू वेव भी है, तुझे अगर हम पार्टिकल के नजरिए से देखें तो तू पार्टिकल भी है। इसलिए दुनिया के सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया दैट लाइट, या फिर मुझे कहना चाहिए रेडिएशन, या फिर मुझे कहना चाहिए दैट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हर एक चैप्टर में या इस चैप्टर में हमने मैटर और रेडिएशन को हमेशा ड्यूअल नेचर के नजरिए से देखा है। लेकिन फिर भी मन नहीं भरा जब इस चीज को दूसरे वैज्ञानिकों से सवाल पूछा गया। खास करके आपने वेव ऑप्टिक्स में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं ह्यूजेंस कह लीजिए या हाइगेंस कह लीजिए, अलग अलग लोग अपने अपने तरीकों से प्रोनाउंस करते हैं। तो हाइगेंस थ्योरी या ह्यूजेंस थ्योरी को जब क्वेश्चन किया गया कि भाई आप ह्यूजेंस, आपने भी तो लोगों को वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताया है, आपने भी तो लोगों को रे ऑप्टिक्स से हटकर वेव ऑप्टिक्स के नजरिए के बारे में बताया है, आपके पास क्या जवाब है? क्या आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? ये जो हो रहा है इसे आप अपने नजरिए से कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आप सुनना मेरी बात। जब ह्यूगेंस ने या फिर हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी का करके इस्तेमाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो आंसर मेरी तरफ से सुनिए, आंसर ये है कि ह्यूगेंस, या फिर मुझे कहना चाहिए हाइगेंस, उनकी वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में फेल हो गई। हां जी, आज के वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा आपके साथ 1-to-1 बातें करके, लिख तो देखो खास कुछ ज्यादा मैं रहा नहीं हूं, डेरिवेशन का ऐसा सच कोई करा नहीं रहा हूं, बातें करके आपको टॉपिक समझा रहा हूं। पूरा लेक्चर खत्म हो जाने के बाद अगर आप किताब खोल के या फिर नोट्स खोल के मेरी इन बातों को एक बार बुक से रीड कर लोगे ना, तो अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि मैंने आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्चुअली में बात किस टॉपिक पे करी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में दो ही टॉपिक पे बात हुई है, पहले पे तो हो गई, पहला क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, किसका जिक्र हुआ, कॉम्प्टन इफेक्ट का, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे ये सिद्ध हुआ कि हाँ वाकई में किसी भी मेटालिक सरफेस पे आने वाली लाइट रेडिएशंस पार्टिकल्स की बनी होती है, और उन पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं और कुछ नहीं। दूसरी बात जो अब करने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। जी हाँ, ह्यूगेंस के द्वारा दी गई वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में कैसे फेल हुई। तो चलिए यहां पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ये सारी बातें मिटाते हैं, लेकिन डायग्राम को बने रहने देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक छिड़ चुका है उस टॉपिक का नाम है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ये तो रहेगा ही रहेगा। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल सही आपने सुना, इस पे 2-to-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वेव थ्योरी कैसे फेल हुई, वेव थ्योरी ने ऐसा क्या कहा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सुटेबल नहीं था। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ह्यूगेंस के द्वारा दी गई जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में फेल हो गई। अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया उस आदमी ने जो एक्चुअल बातों से बिल्कुल अलग था। हां जी, एक्चुअल बातों से बिल्कुल अलग था ह्यूगेंस का कॉन्सेप्ट। ह्यूगेंस ने
अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद नहीं है तो आपको दो बातें जरूर याद होनी चाहिए। पहली कि वेव ऑप्टिक्स में ह्यूगेंस ने क्या कहा है, और दूसरी कि फोटोइलेक्ट्रिक में हमने क्या पढ़ा है। अब हम ये जानेंगे कि उसने क्या कहा और हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। अगर हमारे द्वारा पढ़ी हुई बात और उसके द्वारा कही हुई बात सेम हुई और उसके द्वारा कही हुई बात से हमारी बात साबित हुई तो जो उसने कहा वो सच कहा, लेकिन अगर उसकी बात से हमारी बात साबित नहीं होती तो उसने कहा तो गलत कहा। अब जानते हैं कि उसने क्या कहा और हमारी बात क्या है। तो सुनो, पहली बात हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि किसी भी, सुनना ध्यान से, किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड। पहला ऑप्शन लाइट ऑफ हाई एनर्जी, पहला पॉइंट, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, तीसरा पॉइंट लाइट ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यस और नो, और चौथा पॉइंट फोटॉन्स ऑफ एनी एनर्जी। सोच के देखो, क्या सिर्फ कोई भी लाइट ऑफ हाई एनर्जी से मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या किसी भी लाइट की एनर्जी बढ़ा दो तो जरूरी है कि वो लाइट की एनर्जी बढ़ाने से उसके फोटॉन्स भी बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। याद रखना, फोटॉन्स एनर्जी बढ़ाने से नहीं बढ़ते, फोटॉन्स एनर्जी बढ़ाने से नहीं बढ़ते, फोटॉन्स बढ़ते इंटेंसिटी बढ़ाने से। जी हां, ह्यूगेंस ने इंटेंसिटी और एनर्जी को कोरिलेट किया है, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। याद करो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। वेव ऑप्टिक्स में आपको याद होगा हमने पढ़ा था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, यानी आई मींस इंटेंसिटी, आई मींस इंटेंसिटी एंड ए मींस एम्पलीट्यूड। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये हम पढ़ चुके हैं। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। यानी वेव ऑप्टिक्स कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये वेव ऑप्टिक्स कहती है, ये वेव ऑप्टिक्स कहती है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तब जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की संभावना है, तब जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, हो सकता है इफ इफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, If energy of each photon, if energy of each photon is greater than the required energy, यानी सिर्फ energy बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ energy बढ़ा दो और आप सोचो कि photoelectric effect हो जाएगा? नहीं, नहीं। ऐसा Huygens ने कहा कि energy बढ़ा दो photoelectric effect हो जाएगा? ऐसा नहीं है। Huygens कहते हैं कि अगर किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वो लाइट किसी मेटालिक सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, उसकी एनर्जी फैलेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए सिर्फ कोई भी एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड। यानी ह्यूजेंस ने सारा की सारा खेल जो खेला या सारी की सारी बातें जो कही वो एनर्जी के आधार पर कही, हम जो बातें कह रहे हैं वो फोटॉन के आधार पर करा रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी वेव ऑप्टिक्स के वेव नेचर को इस्तेमाल किया, लेकिन हम उनकी बातों को एज इट इज इस्तेमाल कर तो रहे हैं लेकिन उनकी भाषा में नहीं, रादर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं हम वो नहीं कह रहे, और जो हम कह रहे हैं वो कहना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब उन्होंने फोटॉन्स का जिक्र नहीं किया, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप लाइट की एनर्जी बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ाने से उसकी एनर्जी एक मेटेलिक सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, और जब वो एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और एनर्जी बढ़ाने के लिए आप इंटेंसिटी बढ़ा दो। जबकि हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, इंटेंसिटी का रिश्ता नंबर ऑफ फोटॉन से है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, यस और नो। तो एक बच्चे ने पूछा फिर एनर्जी कैसे बढ़ती है भाई, अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती तो एनर्जी बढ़ती कैसे? एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। जी हां,
E is equal to hc by lambda. E is equal to h nu, nu, nu. Nu is the frequency. सिंपल, आपको अच्छी तरह पता है. इन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करी, इन्होंने सिर्फ इंटेंसिटी एनर्जी एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी एनर्जी एम्पलीट्यूड. हम बात कर रहे हैं पार्टिकल फ्रीक्वेंसी फोटोन, पार्टिकल फ्रीक्वेंसी फोटोन. फर्क है ना, फर्क है ना. तो क्या ये हमारी भाषा या हमारे कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर पाए होंगे? नहीं कर पाए. यही इनका पहला फेलियर था, पहला पॉइंट इनका गलत साबित हुआ. दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने, दूसरा पॉइंट सुनो क्या कहते हैं. फोटॉन्स जब यहां पे आके टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि फोटॉन्स की एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर पाएंगे. हमने ये पढ़ा है कि अगर फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं निकाल पाएंगे. इन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं. इन्होंने कहा कि वी कैन यूज लाइट ऑफ एनी रेडिएशन, या वी कैन यूज एनी लाइट रेडिएशन ऑफ एनी एनर्जी एंड इट विल बी पॉसिबल टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या ये बात सच है? नहीं. यानी कोई भी लाइट रेडिएशन ऑफ एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप यूज कर लोगे, तो क्या ये जरूरी है कि वो लाइट रेडिएशन जो आप यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वाली, क्या जरूरी है कि वो एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा हो? नहीं. इन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन रखी नहीं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कंडीशन रखी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करना चाहते हैं, तो पहले यह मत पता लगाओ कि आने वाली रोशनी की एनर्जी क्या है, पहले यह पता लगाओ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या है, उसके बाद इसे डिसाइड करना. ह्यूजेंस कहता है रोशनी भेज दो ज्यादा एनर्जी की, जो होगा देखी जाएगी. ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे प्यारे क्लास ट्वेल्थ के बच्चों. ये दूसरा पॉइंट था उनका फेलियर का. और तीसरा पॉइंट उन्होंने पता है क्या कहा, तीसरा पॉइंट तो और भी ब्लंडर निकला. उन्होंने कहा कि जब आप किसी लाइट रेडिएशन को किसी मेटेलिक सरफेस पे भेजोगे, तो उस लाइट रेडिएशन की सारी एनर्जी धीरे 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 उस पूरे मेटेलिक सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होगी. और जब वो मेटेलिक सरफेस उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स अचानक से एक एक करके बाहर निकलेंगे. क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? मत भूलो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टाइम के साथ एक ग्राफ बनाकर दिखाया था कि विद इन 10^-9 seconds फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपने मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है. यानी ये टक्कर कैसी टक्कर है? ये टक्कर ऐसी टक्कर है कि अगर ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन आया निकल गया, इलेक्ट्रॉन आया निकल गया. क्या इनकी बात सही है या जो हमने पढ़ा है वो सही है? जो हमने पढ़ा है, या मुझे कहना चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा गया है, वही एक्चुअल बात है, वही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है और वही सही है. तो ये तीन पॉइंट्स जो ह्यूजेंस ने कहे, वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में सक्षम नहीं हुए. रैदर मुझे कहना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाने में भले ही कामयाबी हासिल करी हो, लेकिन उन वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को इन्होंने वेव नेचर के नजरिए से समझाया है. और यहां की बात जो है वो सिर्फ वेव नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो ड्यूअल नेचर पर डिपेंड कर रही है. जी हां, कैसे माने कि लाइट या मैटर का नेचर ड्यूअल नेचर है? अरे क्यों नहीं मानोगे, आराम से मानोगे. मतलब बहुत सिंपल है कि कॉम्पटन इफेक्ट में हमें पता चला था कि जो एक्सरेज है वो है तो लाइट रेडिएशन, लेकिन वो एक्सरेज ने एक मैटर से टकरा कर उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने में कामयाबी हासिल करी. जब एक्सरेज एक लाइट वेटेड एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम से टकरा कर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकती है, तो एक्सरेज तो लाइट है, लेकिन इजेक्ट आउट तो तभी हो पाएगा जब कोई पार्टिकल पार्टिकल से टकराएगा. इसका मतलब कि लाइट इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी तो मैं दोहरा रहा हूं. इससे और इसके पहले कही गई बहुत सारी बातों से अब ये पूर्ण रूप से साबित हो जाता है कि लाइट या फिर कोई मैटर, या मुझे कहना चाहिए रेडिएशन या फिर कोई मैटर, शो करता है ड्यूअल नेचर.
इसलिए इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने दो बातें आपको अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से बातें कर वन टू वन आपसे बात करके आपको समझाई है। पहली चीज मैंने आपको समझाई कि हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, और दूसरी चीज मैंने आपको समझाई दैट हाउ वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं पक्का, आप अपने दिमाग में इन्हें बिठा लीजिएगा पक्का, ताकि ना रह जाए आपके मन या जहन में कोई भी कॉन्सेप्ट जरा भी कच्चा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों को आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताई गई सभी बातें अच्छे से समझ आई होगी। जी हाँ, एक वीडियो लेक्चर अभी और आना बाकी है जिसका मैंने जिक्र यहां किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जी हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी की, और आने वाले और भी कुछ वीडियो लेक्चर्स जिनके माध्यम से चैप्टर को खत्म किया जाएगा। मतलब अभी यूनिट बाकी है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन अभी खत्म नहीं हुआ है, दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द अगला वीडियो लेक्चर आएगा प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर नहीं करते हो, या आप मेरे द्वारा बताए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो प्लीज करना शुरू कर दीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपने जीवन का कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों।